हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो इंसान अपने घर में कभी 4 मिनट भी चुप न होता हो ना, वो भी कथा में बैठ के 4 घंटे शांति से कथा सुनता है। जिसकी वाणी अपने घर में भी शांत न होती हो, वो भी जब कथा में आता है ना तो शांत चित्त होकर के कथा सुनता है। कथा में उसका भी इतना प्रेम रहता है। जब जब कष्ट पाता है तो महात्मा जन दुखी होते हैं। वेद व्यास ने कहा, मेरे अपने जीवन में कोई चिंता नहीं, पर मैं इनके दुख से दुखी हूं। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। और ना 1 से 5 बजे तक का समय जब कथा का रहता है ना, तो 1 बजे कुछ लोगों के खा करके सोने का समय होता है, तो आराम से खा करके सोते हैं और 4:45 बजे आ जाया करते हैं कि अब प्रसाद बंटने का समय हो गया है, कथा विश्राम होगी और 15 मिनट इनकी लीला भी सुन लेंगे, क्या चलेगा। तो 4:45 तक आते हैं, उससे ज्यादा देर से नहीं, कहीं फिर देरी ना हो जाए उधर। ठीक है, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मात्र प्रसाद लेने आते ना, उनसे मैं ज्यादा खुश रहता हूं कि देखो इन्होंने कथा की महिमा भले ही न समझी हो, पर कथा के प्रसाद की कितनी महिमा समझी है कि घर से ही यहां तक चल करके आए, इस बात का मुझे बड़ा गर्व रहता है। तब तक बैठे तो भागवत जी की रचना हुई और उसके पश्चात आगे प्रसंग है कि ऋषियों ने प्रश्न किया। अगर इतनी बड़ी संपदा को त्याग करके महाराज परीक्षित पधारे हैं तो कोई ना कोई को उठा करके पढ़ नहीं सकते। और रही सही कभी जो हमारे यहाँ के कुछ कहे जाने वाले विद्वानों ने पूरी कर दी है।